please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से दिवाली का विशेष कार्ड डिजाइन करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए अंत तक। चैनल वैल्यू रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपको दिवाली का विशेष कार्ड डिजाइन करने के लिए सबसे पहले पेज का साइज क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहां पर साइज के अंदर क्लिक करना है। साइज के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ मोर पेपर साइज एडजस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से पेज सेटअप आपको देखने को मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पर इक्वल साइज का पेज साइज देना है। दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ पर वेट पर 8 इंचेस और हाइट पर भी 8 इंचेस दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर ओके बटन के ऊपर में क्लिक करना है। दोस्तों, इस वाले साइज को आप इजीली जो भी सोशल मीडिया के अंदर आप लोग पोस्ट करना चाहते हैं तो इजी तरीके से पोस्ट वगैरह भी कर सकते हो यहाँ पर डिजाइन करके हुए। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो भी इमेजेस वगैरह है वो सब कुछ इमेजेस आप इजीली यहाँ पर इंसर्ट करते हुए काम कर सकते हो। दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इमेजेस इंसर्ट करना चाहूँगा पिक्चर्स के ऊपर में जाकर। और दोस्तों यहाँ पर मेरे पास डी ड्राइव के ऊपर में जाकर यहाँ पर मैं डिजाइन सबसे पहले तो यहाँ पर मैं दोस्तों इस वाले फोल्डर के ऊपर में जाकर यहाँ पर मैंने कुछ दिवाली के लिए यहाँ पर इस तरीके का इमेजेस गूगल से डाउनलोड करके रखा हूँ। आपके पास जो भी इमेजेस वगैरह है तो आप वही इमेजेस यूज़ करते हुए काम कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले ये वाला झूमर का एक इमेजेस इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों इसको रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आप चाहे तो आपके पास जो भी जिस तरीके का इमेजेस वगैरह है भी तो आप इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मुझे दोस्तों इस तरीके का यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा। जस्ट इसको थोड़ा सा इसको छोटा करते हुए या फिर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए इस तरीके से इसको आप यहाँ पर प्लेसमेंट इजी तरीके से करते हुए भी काम कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाला इमेजेस भी यूज करते हुए काम कर सकते हो। ये वाला मैरी गोल्ड का ब्लर बॉर्डर है दोस्तों, इसको मैं सबसे पहले रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हुए यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा क्रॉप करते हुए इसको इस तरीके से यहाँ से क्रॉप करते हुए मैनेज करूंगा। मैनेज करने को दोस्तों इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने इजी तरीके से इसको सेट किया। जस्ट इसको आपको इधर की तरफ करते हुए यहाँ पर मैनेज करते हुए ऊपर नीचे करते हुए आप इसको इजीली पिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो भी लाइट्स वगैरह आप लगाना चाहते हो तो वो लाइट्स वगैरह भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। जस्ट इंसर्ट आपको फिर से पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करते हुए दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये वाला एक लाइट है। दोस्तों, जस्ट इसको सेलेक्ट करते हुए रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हुए इसको इस लाइट को आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से ईजिली सेट वगैरह करते हुए काम कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, जस्ट आपको इसको क्लोज भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब आपको जो भी आपके पास इमेजेस से दिया वगैरह के लिए वो इमेजेस आप यहाँ पर इंसर्ट करते हुए काम कर सकते हो। जस्ट इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए सबसे पहले पिक्चर्स, जस्ट यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ढेर सारे दिया मेरे पास है। जस्ट आप लोग ये वाला दिया भी यूज़ करना चाहते हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी यूज़ करना चाहते हो ये भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट इसको मैं इंसर्ट करते हुए यहाँ पर ये वाला दिया यूज़ कर दूंगा। जस्ट इसको रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हुए इसको दोस्तों थोड़ा सा साइज वगैरह यहाँ पर छोटा करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट करूँगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसी पात का कलर का यानी कि ये वाला पत्ते वाला कलर है ना, इसी का कलर का यहाँ पर मैं एक शेप क्रिएट करूँगा। तो जस्ट इसको मैं इंसर्ट शेप्स और दोस्तों यहाँ पर मैं ये वाला ओवल शेप सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से यहाँ पर ओवल शेप्स सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट कर दूंगा। दोस्तों देख सकते हो इसको अलाइनमेंट आपको सेंटर करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रीन कलर यूज करना है। जस्ट यहाँ पर आपको ग्रीन कलर चूज करना है। उसके बाद दोस्तों मोर ग्रे कलर ऑप्शन के ऊपर में जाकर थोड़ा सा डार्क ग्रीन इस तरीके से यूज करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सेंड बैकवर्ड करना है। बैकवर्ड करने के बाद ये वाला दिया का इमेज क्या कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेसमेंट करना है और आपको दोस्तों यहाँ पर टाइप करना है हैप्पी दीपावली 2023। जस्ट इसको मैं नीचे की तरफ प्लेस करते इस तरीके से यूज कर दूंगा। और यूज करने के बाद दोस्तों ये वाला ओवल शेप्स का मैं दोस्तों इसको सबसे पहले तो यहाँ पर इसको दोस्तों यहाँ पर रखूंगा और दोस्तों ये वाला ओवल शेप्स का थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन क्रिएट करूंगा। जस्ट फॉर्मेट और यहाँ पर मैं दोस्तों आउटलाइन व्हाइट कलर दोस्तों थोड़ा सा वेट इंक्रीज करूंगा लाइक दिस। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसको शैडोज इफेक्ट क्रिएट करूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं ये वाला इस तरीके के शैडो क्रिएट करूंगा। राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट शेप्स और दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करते हुए शैडोज के ऊपर में जाकर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। दोस्तों थोड़ा सा ब्लर इंक्रीज कर दूंगा। दोस्तों जो जितना आपको ब्लर पसंद है आप यूज़ कर सकते हो।
थोड़ा सा आपको ट्रांसपेरेंसी डार्क या फिर थोड़ा सा लाइट ट्रांसपेरेंसी आपको यूज़ करें तो इस तरीके से यूज़ करते हुए काम कर सकते हो। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा बॉर्डर का वर्ड आप लोग यहाँ पर आप बड़ा करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली यहाँ पर बड़ा वगैरह कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट करते हुए यूज़ कर देना, आपके पास इस तरीके से मैनेज करते हुए यहाँ पर यूज़ करना। जस्ट आप चाहे तो ये वाला शेप्स को थोड़ा सा साइज छोटा करते हुए भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे इसको यहाँ पर प्लेसमेंट कर देना है, इस तरीके से आपको प्लेसमेंट करना है दोस्तों, देख सकते हो। और आप चाहे तो इसको भी थोड़ा सा क्रॉप वगैरह करते हुए इसको मैनेज वगैरह यहाँ पर इस तरीके से इजीली कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट अब आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा अलाइनमेंट यहाँ पर सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद दोस्तों इसको नीचे की तरफ का भी आप शैडो वगैरह बनाना चाहते हो बना सकते हो। मुझे दोस्तों इतना ही यहाँ पर कितना प्यारा लुक लग रहा है, जस्ट इस तरीके से यहाँ पर मैनेज कर दूंगा। मैनेज करने के बाद दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बॉर्डर का लाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसके लिए दोस्तों इंसर्ट शेप्स और दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री फ्रॉम शेप्स क्रिएट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको कहाँ से बॉर्डर का लाइन क्रिएट करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लाइन क्रिएट कर देना है। लाइन क्रिएट करने के बाद दोस्तों जस्ट आपको अब आपको यहाँ पर फ्री फ्रॉम शेप्स क्रिएट करना है, यहाँ पर क्लिक करते हुए यहाँ से दोस्तों मैं लाइन क्रिएट करना चाहूँगा। तो इसको मैं यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर मैं इसको मैनेज करते ऑफ कर दूंगा, जस्ट ये वाला लाइन को डिलीट कर दूंगा। और दोस्तों ये वाला लाइन इसको मैं थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा इधर उधर करते हुए इसको दोस्तों थोड़ा सा कलर यहाँ पर ग्रीन कलर दूंगा, ताकि दिखने में भी सुंदर सा एक प्यारा सा इफेक्ट जैसा कुछ लुक नज़र में आए। जस्ट इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर दूंगा लाइक दिस। अब दोस्तों आपको इतना तक करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से इसको और बॉर्डर वगैरह भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर कितना प्यारा बॉर्डर मैं बनाना चाहूँगा, जस्ट इसको मैं इंसर्ट और यहाँ पर दोस्तों मैं इसको सिंपली शेप्स और दोस्तों यहाँ पर मैं जस्ट इस तरीके से क्लिक करते हुए ये वाला शेप्स को यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करते हुए इसको यहाँ पर प्लेस करते हुए आउटलाइन नो आउटलाइन और दोस्तों सेम बॉर्डर ग्रीन कलर, ये वाला ग्रीन कलर। उसके बाद दोस्तों इसी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पर इस तरीके से मैनेज करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट करना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। आप लोग देख लीजिए कितना प्यारा डिजाइन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। जस्ट अब आपको दोस्तों इसको डिलीट कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसी शेप्स को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ से दोस्तों इस तरीके से रोटेट करते हुए आपको यहाँ पर मैनेज करना है। शिफ्ट होल्ड करते रोटेट करते यहाँ पर इस तरीके से इसको दोस्तों आउटलाइन वाइट नहीं नो आउटलाइन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों इसको भी यहाँ से शिफ्ट होल्ड करते इस तरीके से मैनेज करते हुए यहाँ पर इसको भी नो आउटलाइन ही देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा बॉर्डर्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है इस डिजाइन के ऊपर में। तो दोस्तों देख सकते हो इतना तक मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर काम कर चुका हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर हैप्पी दीपावली 2023 टाइप करूँगा, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट और जस्ट यहाँ पर वर्ड स्टाइल वन यहाँ पर क्लिक करते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा हैप्पी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने टाइप किया, जस्ट इसको सेलेक्ट करते हुए होम नो स्पेसिंग। उसके बाद दोस्तों आपको जो फॉन्ट यहाँ पर पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे दोस्तों ये वाला फॉन्ट भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको दोस्तों थोड़ा सा फॉन्ट यहाँ पर बड़ा करते हुए यहाँ पर इसको यूज़ कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरीके से यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद दोस्तों इसको मैं कलर दूंगा यहाँ पर वाइट कलर, आप लोग जो कलर पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं है। अब आपको सिंपली यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट और दोस्तों ट्रांसफॉर्म इस तरीके से राउंडेड वाले ट्रांसफॉर्म आप चाहे तो बना सकते हो। जस्ट इसको थोड़ा सा सेंटर की तरफ रखते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए इस तरीके से यहाँ पर मैनेज करते हुए थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से हैप्पी दीपावली आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसको और थोड़ा सा ऊपर रखते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से रख सकते हैं, कुछ भी दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट वगैरह टाइप करना चाहते हो तो इसको यहाँ पर प्लेसमेंट करते थोड़ा सा साइज वगैरह इस तरीके से राउंड करते हुए आप लोग यूज़ कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से मैंने इसको काम किया, थोड़ा सा इसको इधर कर दूंगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पर इधर कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हैप्पी दीपावली दिवाली इस तरीके से टाइप किया है। जस्ट अब मैं दोस्तों इसी टेक्स्ट को या फिर आप चाहे तो इसको वर्ड स्टाइल वन सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर दोस्तों 2000
23 इस तरीके से टाइप करते हुए यहाँ पर फॉन्ट आपको नॉइस स्पेसिंग दोस्तों यहाँ पर आपको इम्पैक्ट या फिर जो भी फॉन्ट आपको पसंद है इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज करते हुए यहाँ पर आपको प्लेसमेंट करते हुए इस तरीके से कॉलर देकर आप लोग यहाँ पर हैप्पी दीपावली 2023 इस तरीके से टाइप करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको फॉन्ट 55 वगैरह देकर इसको यहाँ पर मैनेज वगैरह करते हुए आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसका अपना फॉर्मेट अलाइनमेंट सेंटर, ताकि इस तरीके से यहाँ पर इजीली जो भी डिजाइन वगैरह दिखना था वो इस तरीके से दिख जाए। अदरवाइज दोस्तों आपको यहाँ पर कॉलर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए जो भी आपको कॉलर पसंद है आप लोग सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसको मैनेज वगैरह इस तरीके से कर सकते हो। मुझे दोस्तों ये वाला कॉलर भी ठीक ठाक लग रहा है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग चाहे तो बैकग्राउंड वगैरह भी सेट कर सकते हो, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड वगैरह पसंद है तो बैकग्राउंड वगैरह भी देकर आपको मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर इतना ही, कितना प्यारा तरीके से खूबसूरत सा लुक रख रहा है। जस्ट अब मैं दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करूँगा, जस्ट इंसर्ट शेप्स और दोस्तों इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हुए यहाँ पर क्लिक करते हुए मेरे पास दोस्तों डेस्कटॉप के ऊपर में कुछ टेक्स्ट है। जस्ट इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर दोस्तों इसी के अंदर यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट होना चाहिए दिवाली का। जैसे यहाँ पर मैं दिवाली का विशेष टेक्स्ट सेलेक्ट करते इस तरीके से कॉपी करते हुए वर्ड के अंदर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा तो दिखने में भी सुंदर सा प्यारा सा टेक्स्ट लगे। इसको सेलेक्ट करते हुए आप लोग जो भी जितना भी आप यहाँ पर यूज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करते थोड़ा सा टेक्स्ट एडिट करते हुए इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करते हुए यहाँ पर इसको यूज करते हुए इस तरीके से अप्लाई करते हुए फॉर्मेट आउटलाइन नो आउटलाइन से फिल नो फिल करते हुए दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट मैनेज करते हुए यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसको सेलेक्ट करते थोड़ा सा फॉन्ट आपको जो भी पसंद है इस तरीके का फॉन्ट दूंगा दोस्तों, देख सकते हो। और इसको सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करते हुए सेंटर अलाइनमेंट इस तरीके से करते हुए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसको मैंने फेस्टिवल्स का कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाइप करते हुए यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा लुक लग रहा है। अब आप चाहे तो यहाँ पर एक और दिया भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इंसर्ट पिक्चर्स, जस्ट आपको जो भी दिया वगैरह पसंद है वो सेलेक्ट करते हुए काम कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, जैसे इसको सेलेक्ट करते हुए वर्ड स्टाइल वन इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हुए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो इस वाले दिया को थोड़ा सा साइज में छोटा करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट कर दूंगा और जस्ट इसको शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से हैप्पी दीपावली का डिजाइन यहाँ पर कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। जस्ट आपको इसको क्या करना है, फाइल सेव एज ब्राउजर डेस्कटॉप के ऊपर रखते हुए यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट के ऊपर में सेव करना है। जस्ट डेस्कटॉप के ऊपर में डॉक वन बोलकर मैंने यहाँ पर सेव किया है। सेव करने के बाद दोस्तों देख सकते हो PDF फॉर्मेट के ऊपर में कितना प्यारा तरीके से ये सेव हो चुका है। अब आप इसको चाहे तो PNG JPG जो भी फॉर्मेट के ऊपर में कन्वर्ट करते हुए इसको इजीली सोशल मीडिया वगैरह के अंदर शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।